हेलो मेरे टू फैमिली, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का पार्ट 11। अगर आपको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ नॉलेज देनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, बाकी के पार्ट भी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ओके, आज हम क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को पूरे लॉजिक, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तो आपके जितने भी डाउट, जितने भी कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप एक्सरसाइज 7.3 नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इस फॉर्मूले को कैसे तैयार करना है, कैसे नहीं तैयार करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। वैसे तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक होगा राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/2 साइड का स्क्वायर, और हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, बस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही होते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये कब अप्लाई करना होता है बताता हूँ आपको। देखिए, इस तरीके का ट्राइंगल दे रखा है, जो अंदर वाला पार्ट मैंने सेट कर रखा है ना, यही होता है ट्राइंगल का एरिया, जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जो आपको तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हों, पहला कोऑर्डिनेट x1/1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2/2, और तीसरा कोऑर्डिनेट x3/3। घबराइएगा मत, जो क्वेश्चन में नंबर दे रखे होंगे, हो सकता है 105 हो, इस तरीके के नंबर दे रखे होंगे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, AR का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो 1/2 होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये होता है फॉर्मूला। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, भाई कैसे याद करें कैसे नहीं याद करें, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिस जो मतलब मुझे मेरी पर्सनली फेवरेट है, जिसको मैंने मतलब कि जिससे मैंने सीखा ये फॉर्मूला, ठीक है ना, वही मैं आपको बताऊंगा, मुझे सबसे आसान लगती है वही मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना है, अच्छे से इक्वल टू लगा दीजिए, 1/2 है ना, तो 1/2 लगा दीजिए, फिर एक ब्रेकेट लगा दीजिए। आप क्या करना है स्टेप बाय स्टेप समझिए, 1/2 तो आपको लगाना है, इसे याद रखिएगा। पहले x लिखिए, फिर एक ब्रेकेट में y - y, सिंपल है। फिर x लिखिए, फिर अगले ब्रेकेट में y - y, फिर x लिखिए, फिर अगले ब्रेकेट में y - y। तो देखिए कितना आसान है, e की चीज को तीन बार लिखा है मैंने, x y - y प्लस का x y - y प्लस का x y - y, देखिए कितना इजी है ना। अब क्या कर रहा है समझिएगा, अब आपको 1, 2 और 3 इन तीनों नंबरों से खेलना है। कैसे खेलना है ध्यान से देखिए, पहले सबसे पहले x वालों को देखिए, लाइन से नंबर लगा दीजिए, पहले 1, फिर 2 और फिर 3। तो x पे 1, फिर x पे 2, फिर x पे 3, तो 1, 2, 3, कितना आसान था, सिंपल, तैयार हो गया होगा। अब समझिएगा, अब हमको क्या करना है, y वालों पे फिट करना है, जो y है ना इस पे फिट करना है नंबर। किस तरीके से फिट करेंगे, हम लास्ट चलेंगे आखिरी से। तो यहाँ पे देखिए, पहले 1, फिर 2, कहाँ पे खत्म हुआ, 2 पे खत्म हुआ, 2 से ही शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले पे चले जाइए 2, फिर 3, 2 के बाद 3 तो आता है ना भैया, 3 पे खत्म हुआ, तो 3 से शुरू करना है, 3 फिर 1, क्योंकि इसमें जो नंबर होते हैं वो 1, 2, 3 होते हैं, क्योंकि भाई तीन कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3, इसे नंबर भी इसमें तीन होते हैं 1, 2, 3। तो 1 से शुरू किया तो 1, 2, 2 पे खत्म हुआ तो 2 से ही शुरू करेंगे 2, 3, 3 पे खत्म हुआ तो 3 से ही शुरू करेंगे, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो ये है फॉर्मूला तैयार करने की ट्रिक, तरीका, मुझे सबसे फेवरेट है, मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैंने इसी से तैयार किया है, मुझे सबसे पसंद है भाई ये, ठीक है ना, मुझे तुरंत ही तैयार हो गया था। आप भी इसे तैयार कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आए तो और भी तरीके आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली फेवरेट ये लगता है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, और ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं वो आपको दे रखे हैं ये, ये और ये, ये तीन ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो इस तरीके का मैंने ट्राइंगल बना लिया, और ट्राइंगल को कोई नाम दे दीजिए, मैंने चलिए दे दिया A, B और C, आप APQRXYZ जो मानो वो दीजिए। तो पहला जो वर्टेक्स है वो है 2, 3, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, 3, आप चाहे तो कहीं लिख दीजिए, यहाँ पे जहाँ मानो। दूसरा है -1 और 0, मैं यहाँ पे -1 और 0 लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो कहीं भी लिख दीजिए। और तीसरा है 2, -4, 2, -4, तो तीन वर्टेक्स हो गए। आपसे कह रहा है इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, तो एरिया होता है इसके अंदर वाला पार्ट। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स दे रखे हो, यानी कि तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो इस तरीके से, ठीक है ना, तो आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे उसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले आप इसको नाम दे दीजिए, पहला होगा x1, दूसरा होगा y1, लाइन से दीजिए, फिर x2, फिर y2, फिर x3, फिर y3। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे x1, x2, y1, y2, y3, y, y, y,
वाई वन वाई थ्री ऐसे करके दे देते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, वन वाले इधर, टू वाले इधर, थ्री वाले इधर देने हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, इसमें ए बी सी मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी लिख दे रहा हूँ। ए आर का मतलब होता है एरिया, शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना, आदत डाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, वन अपॉइंट टू, फिर क्या करना होता है, फिर एक्स लिख दीजिए, फिर वाई माइनस वाई, फिर पे प्लस का एक्स लिख दीजिए, फिर वाई माइनस वाई, फिर से प्लस का एक्स लिख दीजिए, फिर से वाई माइनस वाई, यही तो मैंने बताया था ना। अब क्या करिए, जो एक्स एक्स वाले उसको नाम दे दीजिए, पहला वन, इसको टू, इसको थ्री, याद करने का तरीका है ये। उसके बाद एक्स वाले हो गए, वाई वालों को दीजिए, तो वाई वाले लास्ट से शुरू करते हैं, पहले वन, फिर टू, टू से टू पे खत्म हो तो टू से ही शुरू होगा, तो यहाँ से शुरू करिए टू, फिर थ्री, थ्री पे खत्म हो तो थ्री से शुरू होगा, थ्री और फिर वन, थ्री के बाद फोर नहीं आएगा, थ्री के बाद वन ही आएगा, क्योंकि इसके तीन ही तो वर्टेक्स है, वन टू थ्री, तो हाईएस्ट नंबर थ्री होता है, ठीक है ना। तो बस अब फटाफट से क्वेश्चन मतलब वैल्यू रखिए, बात खत्म। वन अपॉन टू एक्स वन, एक्स वन कितना है टू, तो टू रख दिया, फिर यहाँ पे है वाई टू, वाई टू कितना, वाई टू जीरो, जीरो माइनस वाई थ्री, वाई थ्री कितना, वाई थ्री है माइनस फोर, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस का फोर, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस रख दिया तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा। तो माइनस ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस ये वाला, फिर एक्स टू, एक्स टू कितना, एक्स टू माइनस का वन, याद रखिएगा माइनस का वन है, तो माइनस ये वाला प्लस माइनस, यहाँ पे फाइनल जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का वन, क्योंकि वन है। फिर है हमारा वो वाई थ्री, वाई थ्री कितना है माइनस का फोर, ठीक है, फिर माइनस वाई वन, वाई वन कितना है, वाई वन है थ्री, तो थ्री लिख दिया, फिर प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना, एक्स थ्री है टू, फिर वाई वन, वाई वन कितना है, वाई वन है फिर से थ्री, फिर माइनस वाई टू, वाई टू कितना है, वाई टू जीरो, ठीक है ना, क्लियर। ये वाला ब्रेकेट लगा दीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रख दिया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टू है, टू रहने दीजिए, जीरो प्लस फोर कितना होता है, जीरो प्लस फोर फोर होता है, फिर माइनस वन ऐसे लिखे रहने दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस का फोर माइनस का थ्री, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैंने कई बार बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो इस प्लस जो आया है माइनस माइनस प्लस, वो ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों का होगा प्लस, तो फोर और थ्री कितना हो गया सेवन, बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर फोर, फोर क्या गया माइनस, तो माइनस, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर उसके आगे जो साइन हो वही साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर प्लस का टू, इसे सॉल्व करेंगे, थ्री माइनस जीरो थ्री रहेगा, क्योंकि जीरो में से माइनस करेंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है ना, तो वो थ्री रहेगा। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, फोर टू ज़ा एट, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होती है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला माइनस 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 प्लस, सेवन बन जा सेवन, और प्लस है, प्लस लगा दीजिए, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स लगा दीजिए, फिर ये वन पॉइंट टू है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो एट और सेवन कितना होता है, एट और सेवन होता है फिफ्टीन, फिफ्टीन में सिक्स क्या करेंगे, फिफ्टीन में सिक्स ऐड करेंगे तो होगा ट्वेंटी वन, तो मल्टीप्लाई लगेगी क्योंकि इनके बीच भी होती है मल्टीप्लाई, तो ट्वेंटी वन की वन से मल्टीप्लाई, याद रखिएगा ट्वेंटी वन की टू से नहीं होगी, ट्वेंटी वन ऊपर है और टू नीचे है, तो ट्वेंटी वन के वन के सामने, तो ट्वेंटी वन बन जा ट्वेंटी वन, नीचे कितना है टू, तो ट्वेंटी वन अपॉइंट टू इसका आंसर। एरिया की बात हो रही तो यूनिट स्क्वायर लगाना मत भूलना, यूनिट स्क्वायर क्वेश्चन में यूनिट स्क्वायर लगा देना, क्योंकि एरिया जहाँ भी वर्ड आता है स्क्वायर हम लगा देते हैं, यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के मतलब फर्स्ट के सेकंड की तरफ। ओके चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपसे यही कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो ट्राइंगल बना लीजिए नॉर्मली, ए बी सी नाम दे दीजिए, आपकी मर्जी पी क्यू आर एस एक्स वाई जो भी दीजिए, और तीन पॉइंट है यानी कि तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लगा लिया, आपकी मर्जी कहीं भी लगाइए, यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक, और तीसरा मैंने यहाँ लगा दिया, तीनों कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, वन टू थ्री, ओके। और ये आपसे कह रहा है इसका एरिया निकालो, एरिया का मतलब इसके अंदर का पार्ट आप निकालो, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए बी सी लिया है, अगर आप पी क्यू आर लेंगे तो आपको पी क्यू आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉइंट टू, पहले x लिख लीजिए, फिर y माइनस वाई, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर प्लस, फिर x लिख लीजिए, फिर y माइनस वाई, फिर x लिख लीजिए, फिर y माइनस वाई, ठीक है ना। अब x x x पे लगा दीजिए, पहले 1, फिर 2, फिर 3, x वाले हो गए फिल। अब y की बारी, y पे भी 1 2 3 लगाना है, तो लास्ट से शुरू करेंगे, पहले 1, फिर 2, 2 पे ख़त्म हुआ तो 2 से ही शुरू करना है, यहाँ से फर्स्ट है 2, 3,
थ्री पे खत्म हो तो थ्री से शुरू करना है, तो थ्री और फिर वन, थ्री के बाद वन आएगा, फोर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के सॉल्व इक्वेशंस रख के, मतलब वैल्यू रख के हमको क्या करना है, आंसर लाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको नाम दे दीजिए एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, ये एक्स थ्री, ये वाई थ्री, ठीक है ना। इसी तरीके से लेने नाम एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ऐसे नहीं करना कि एक्स वन वाई वन, एक्स वन एक्स टू, ऐसे वाई वाई वन वाई टू, ठीक ना, वाई वाई, इस तरीके से नहीं लेने हैं। याद रखिएगा एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, इसी तरीके से नाम लेने होते हैं हमें। ओके, अब फटाफट से वैल्यू रखते हैं। तो वन अपॉइंट टू लिखा हुआ है, पहले एक्स वन कितना है माइनस का फाइव, ठीक, फिर वाई वन वाई टू है, वाई टू कितना है वाई टू, फिर वाई टू भी माइनस का फाइव है, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर वाई थ्री, वाई थ्री कितना है टू है, ठीक है, हो गया, प्लस एक्स टू, एक्स टू कितना है एक्स टू थ्री है, थ्री लगा दिया मैंने, फिर वाई थ्री, वाई थ्री कितना है वाई थ्री टू है, माइनस वाई वन, वाई वन कितना है माइनस का फाइव, याद रखिएगा माइनस ये वाला और माइनस, सॉरी वाई वन है माइनस का वन, तो माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस, याद रखिए यहाँ प्लस होगा वन है तो वन रख दिया, ठीक है, फिर प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है फाइव, ओके, फिर वाई वन, वाई वन कितना है फिर माइनस वन, तो माइनस वन रख दिया, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर वाई टू, वाई टू कितना है वाई टू माइनस फाइव, तो माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस का फाइव, ओके, क्लियर, इतनी बात हमें क्लियर होगी, ठीक है। अब फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये माइनस का जो फाइव है उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब ब्रेकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, पहले माइनस इससे पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस जो प्लस है वो ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों का होगा प्लस, तो फाइव और टू सेवन, बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर है फाइव, फाइव क्या क्या माइनस, तो यहाँ लगा दिया माइनस, बड़े नंबर क्या है जो भी साइन होता है वही लगा देते हैं, ठीक, फिर प्लस का थ्री, इसे सॉल्व करिए, टू और वन कितना होता है टू, वन थ्री होता है, तो सिंपल है, फिर प्लस का फाइव। अब इसे सॉल्व करिए माइनस वन और फाइव, तो माइनस वन प्लस का फाइव क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ये प्लस ये, माइनस प्लस माइनस, तो ये जो माइनस है वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों का होगा माइनस, तो फाइव में से बन गया फोर, फोर बचा, बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर फाइव, फाइव के आगे प्लस, तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया प्लस, दिखता नहीं है लेकिन लगा होता है, ठीक है, चलिए आगे करते हैं फटाफट से सॉल्व, इसे सॉल्व करते हैं, फाइव और सेवन की मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच होती है मल्टीप्लाई, फाइव सेवन जा 35, ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लग गया प्लस, तो प्लस तो दिखता नहीं है, काम खत्म। यहाँ देखिए थ्री थ्री जा नाइन, इसे सॉल्व करिए प्लस है, फाइव फोर जा ट्वेंटी, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब वन पॉइंट टू है ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, फिर इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो हम पीछे से ऐड करते हैं, नाइन और फाइव कितना हो गया नाइन, ऐड कर दीजिए बस, नाइन और फाइव कितना होता है फोर्टीन, कैरी वन हो गया थ्री, और टू फाइव वन सिक्स, इसको काट दीजिए कितना होगा थर्टी टू, तो आ गया 32 यूनिट स्क्वायर, क्या आ गया 32 यूनिट स्क्वायर, याद रखिएगा यूनिट स्क्वायर लिखना नहीं बोला, वरना क्वेश्चन में नंबर आपका कट हो सकता है। यूनिट स्क्वायर का मतलब देखिए जहाँ भी एरिया वर्ड आता है वहाँ पे स्क्वायर लगना तय है, हो सकता है मीटर हो सकता है सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, तो स्क्वायर लगाइए, यूनिट हमें पता नहीं है तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर हमने लगा दिया, स्क्वायर लगेगा क्योंकि एरिया दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर वन पूरी तरीके से हमारा फिनिश, ओके। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट की, और क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको इस के की वैल्यू, के दिख रहा है ना ये, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये एक कंडीशन दे रखी है कि जो तीनों पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं। अब ये कोलिनियर वर्ड कहाँ से आ गया, ठीक है ना, तो मैंने लाइंस एंड एंगल वाली अपनी वीडियो में कोलिनियर को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मैं फिलहाल में आपको समझा देता हूँ कि कोलिनियर आखिरकार होता क्या है। देखिए किसी लाइन पर, किसी लाइन पर अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट होते हैं, याद रखिए कि तीन या तीन से ज़्यादा, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना, इस तरीके से एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ, एक पॉइंट ए यहाँ बना दिया, बी यहाँ बना दिया, सी यहाँ बना दिया, तो तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे क्योंकि तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर हैं। अगर तीन तीन की जगह से दो ही पॉइंट अगर एक लाइन पे होते इस तरीके से तो ये कोलिनियर नहीं होते। तो या तो तीन होंगे, कम से कम तीन होने चाहिए, ये तो तीन या तीन से ज़्यादा, तीन से कम नहीं हो सकते, तो वही होते हैं हमारे कोलिनियर, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है इस के की वैल्यू फाइंड करिए इस तरीके की कंडीशन से, तो देखिए हम किस तरीके से इसको करेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया उसमें मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल लगवाया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और सबसे आसान तरीका है वो करने का, सीख लोगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये समझ लो। तो देखिए किस तरीके से करना है, तो फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ट्राइंगल है, ये क्या है, एक
ट्राइंगल है। देखिए ट्राइंगल के भी तीन पॉइंट होते हैं, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट ये हमने ले लिया यहाँ पे सी। तो देखिए ट्राइंगल के भी तीन ही पॉइंट होते हैं। अगर मैं ट्राइंगल पे क्या करूँ, आपको बैठा दूँ ऊपर, आप इसके बैठ जाओ, तो पचक जाएगा कि नहीं पचक जाएगा बताइए। मतलब पचक के छोटा हो जाएगा, पचकने का मतलब हो गया कि दब जाएगा। आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर मैं ट्राइंगल को ऐसे ऊपर से दबाऊँ, ऐसे दबाऊँ, दबा दबा के मैंने इतना छोटा कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अभी मुझे सुकून नहीं पड़ा है, मुझे मेरे दिल को चैन नहीं पड़ा, फिर मैंने और दबाया, फिर मैंने दबा दबा के इसे इतना छोटा कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी, इतने से मैंने पहले इतना किया, फिर मैंने इतने से इसको इतना किया, लेकिन अभी भी मेरे सुकून नहीं पड़ा, तो मैंने क्या कर दिया, इस ट्राइंगल को दबा दबा के कतई बराबर कर दिया। तो इस तरीके की एक लाइन बन गई, ये बी है, ए हमारा यहाँ पर है, तो दब के यहाँ पर आ जाएगा कहीं यहाँ पर, ठीक है ना, और जो सी है वो हमारा यहाँ पे है। तो देखिए ये यही वाली कंडीशन तो बन गई कोलिनियर। अब आप बताइए बन गई कि नहीं बन गई। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसको अगर हम दबा दें इस तरीके से तो वो एक कोलिनियर पॉइंट बन जाता है, इसे याद रखिए। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोलिनियर वर्ड अगर आ जाएगा तो करना क्या है ये बता रहा हूँ। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन मेन काम करना कि अभी मैं बताऊँगा, ठीक है ना। अब आ रही बात, मेरी बात समझिएगा, इस ट्राइंगल का कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा बताइए। कुछ तो एरिया होगा, 10, 15, 20, 50 कुछ तो होगा। इस ट्राइंगल का भी भैया कुछ एरिया होगा, इससे कम होगा लेकिन होगा। इस ट्राइंगल का भी कुछ एरिया होगा, इन दोनों से कम होगा लेकिन होगा। लेकिन यहाँ पे इसका कोई एरिया होगा, अब बताइए एरिया का मतलब इसमें तो देखिए कोई एरिया है, मतलब जगह दिख रही, जगह दिख रही, जगह दिख रही, लेकिन इसमें तो कोई जगह दिख ही नहीं रही। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यही मेन पॉइंट है, जब भी आपको इस तरीके के तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, के की वैल्यू फाइंड करवा रहा हो और कोलिनियर हो, क्या हो, कोलिनियर हो, तो आपको ट्राइंगल का एरिया ज़ीरो लेके चलना है। तो ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ज़ीरो। क्यों हो जाएगा, ये बात मैंने अभी आपको बताई कि इतना बड़े ट्राइंगल को मैंने इस तरीके से बना दिया। तो आप ये अच्छे से देख लीजिए, रफली सब कुछ करा है मैंने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हमारा ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, और फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, हमारा एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, ये एक्स थ्री वाई थ्री हो गया। हमेशा इसी तरीके से लेना होता है एक्स वन वाई वन, ठीक है ना, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हमारा 1/2, पहले होता है एक्स वाई माइनस वाई प्लस फिर से एक्स वाई माइनस वाई और फिर से एक्स वाई माइनस वाई, इतना तो आपको लिख लेंगे, ठीक है ना, कई बार बता चुका हूँ। फिर क्या करते हैं, एक्स 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 वालों को फिल कर दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए 1, यहाँ दे दीजिए 2, यहाँ दे दीजिए 3, एक्स वाले का काम खत्म, अब वाई वालों को फिल करिए। तो देखिए कैसे फिल करेंगे, यहाँ से लास्ट से शुरू करेंगे, तो 1 फिर 2, 2 पे ख़त्म हुआ तो 2 से शुरू करेंगे, यहाँ पे 2 फिर 3, 3 पे ख़त्म हुआ तो 3 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे 3 और 1, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 तीन ही नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 तीन पॉइंट, इससे तीन ही नंबर तक होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो, तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पे एक्स वन, एक्स वन कितना है 7, फिर है वाई टू, वाई टू कितना, वाई टू है 1, फिर माइनस, फिर वाई थ्री, वाई थ्री कितना, वाई थ्री है के, वाई थ्री कितना के, इसी के की तो वैल्यू निकालनी है भाई हमें। एक्स टू, एक्स टू कितना है 5, ओके, फिर वाई थ्री, वाई थ्री कितना है, वाई थ्री फिर से के, माइनस वाई वन कितना है, वाई वन है माइनस टू, ध्यान रखिए क्या, वाई वन है माइनस टू और यहाँ वाई वन है माइनस माइनस, तो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जो टू है वो यहीं पे, इस चीज़ का याद रखिएगा, बहुत मिस्टेक होती है इसमें। प्लस वाई थ्री, सॉरी एक्स थ्री, एक्स थ्री है हमारा 3, फिर है वाई वन, वाई वन है हमारा माइनस का 2, और उसके बाद फिर माइनस, फिर वाई टू, वाई टू कितना, वाई टू है 1, ठीक है ना, क्लियर। इतनी बात हमें हो गई क्लियर, ठीक है। तो ज़ीरो इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद देखिए 7, ये k माइनस 1 माइनस k है ना, इसको ऐसे लिखे रहने देंगे, इसको हम बिल्कुल छेड़ नहीं रहे, तो इसको जैसे है ना वैसे लिखे रहने दीजिए। प्लस 5, k प्लस 2 इसको भी नहीं छेड़ें, क्योंकि k प्लस 2 और ये कुछ ऐड तो होने नहीं किए, एक वेरिएबल है, ये एक नंबर है, तो वेरिएबल नंबर कभी ऐड नहीं होते हैं। प्लस इसको सॉल्व कर देंगे, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ये डिसाइड करेगा कि दोनों को होगा प्लस, तो 2 और 1 3, बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर 2, 2 क्या माइनस, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस, ठीक है, क्लियर। इतनी बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है, सही है, सब सही चल रहा है, 1/2 लगा है, ठीक है।
अब देखिए 7 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बन जा 7, फिर माइनस लगा दिया, फिर k, 7 की k से करेंगे तो 7 की k से क्या हो जाएगी 7k, ओके ठीक है। तो दोनों में करेंगे 7 की 1 से 7 की k से, माइनस का था माइनस का लगा दिया। अब ऐसे 5 का करेंगे पहले k से, तो 5 की k से हो जाएगी तो प्लस का 5k, क्योंकि यहाँ पे लगा है प्लस, फिर प्लस, तो 5 की 2 से भी करेंगे, 5 2 जा 10, अब फिर प्लस माइनस माइनस 3 जा 9, बताओ सही है बात, ठीक है बिल्कुल क्लियर हो रही है बात, कोई डाउट तो नहीं हो रहा, सब सही है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ यहाँ से, ओके अब मैं यहीं पर सॉल्व करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ओके अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो 2 है वो मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड से ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 2 की 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से हो जाएगी, इक्वल टू 2 को मैंने नीचे से भाई ऊपर भेज दिया, भेज सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व करने वाले हैं हम, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 9, तो 7 प्लस 10, तो 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा 17, यानी 17, 17 में से अब 9 को क्या करना है माइनस, तो देखिए तीन नंबर है ना, तो तीनों नंबर को मैंने एक साथ सॉल्व कर लिया, तो 7 प्लस 10 17, 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 8, कितना बचेगा 8 बताइए सही, 17 में से 9 जाएगा तो 8 ही तो बचेगा, ठीक है 8, फिर अगला यहाँ पे देखिए के वाला, एक तो ये बचा, दूसरा के वाला हमारा ये बचा, तो के वालों को अलग हमने करेंगे सॉल्व, और नंबर नंबर वालों को हमने एक साथ अलग सॉल्व करके 8 ला दिया, तो के वालों को देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 7k और यहाँ प्लस का 5, तो माइनस का 7k और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 5k, तो यहाँ पे माइनस का 7 और प्लस का 5, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस ये डिसाइड करेंगे इन दोनों का होगा माइनस, तो 7 में से 5 क्या बचेगा 2, बड़ा नंबर कौन सा बड़ा नंबर है 7, 7 के आगे भाई माइनस, तो यहाँ लगा दिया माइनस, तो के है तो के लगा दिया, तो समझिए बात ध्यान से, यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस ये डिसाइड करता है कि इन दोनों का होगा माइनस, तो 7 में से 5 गया 2 बचा, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर हो उसके आगे जो भी साइन है वही साइन यहाँ पे लगा देते हैं, के है तो के लगा दिया, तो माइनस का क्या इतना बचा 2k हमें मिला, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2k। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, जो 2k है माइनस वाला उसको उधर भेज देंगे 0 के पास, तो 2k जो है वो हो जाएगा प्लस का 2k इज इक्वल टू 8, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k को अकेला करेंगे, तो देखिए k को हम अकेला कर रहे हैं धीरे धीरे, k को हमने उधर भेज दिया, 8 को अकेला कर दिया, तो 0 प्लस 2k हो जाएगा 2k, क्योंकि 0 में आप कुछ भी ऐड करें तो वही रहेगा इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, 2 ऊपर से कहाँ जाएगा नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा कि नहीं बताइए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, 2 4 ज़ा 8, तो k की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई 4 आ गई, तो यही हमारा आंसर, तो निकल आई बताइए k की वैल्यू, बताइए इस क्वेश्चन में कोई भी बिल्कुल प्रॉब्लम कितनी आसान तरीके से हो गया। अगर आपने जब भी आपको कोलिनियर दे रखा हो इस तरीके से, तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हो, जीरो ले लीजिए ट्रायंगल के एरिया, अगर हमें जीरो ले लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो फॉर्मूले का तरीका भी मैंने बता दिया याद करने का, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पूरी तरीके से फिनिश, ओके। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का कुछ सेकंड के सेकंड पार्ट की, और कुछ सेकंड का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए कुछ सेकंड के सेकंड पार्ट में भी आपसे यही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस वाले के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है, यानी कि तीनों जो पॉइंट है वो एक लाइन पर है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको करना है, अगर कोलिनियर है पॉइंट तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जी हाँ जीरो हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जब भी कोलिनियर दे रखा हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो और ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बस बात खत्म, और आपको कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। तो पहले वाले को हम लेते हैं एक्स वन, फिर वाई वन, फिर ऐसे एक्स टू, फिर वाई टू, फिर एक्स थ्री और वाई थ्री, इसी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा जीरो, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या है भाई कोलिनियर है, ठीक है ना, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने पूरा समझाया है, अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट अभी तक नहीं देखा सेकंड का फर्स्ट पार्ट तो आप देखिए, सेकंड बाद में देखिएगा, ठीक है ना। फिर 1/2 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने एक्स वन, एक्स वन कितना 8 है, फिर यहाँ पे वाई टू, वाई टू कितना है, वाई टू माइनस का 4 है, फिर माइनस, फिर वाई थ्री, वाई थ्री कितना, वाई थ्री माइनस 5 है, तो माइनस, और ये वाला माइनस 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 प्लस का 5, ठीक है, फिर प्लस एक्स वाई, एक्स टू, एक्स टू कितना है के है भाई, यही हमारा के है, इसी की वैल्यू निकालनी है, फिर वाई थ्री, वाई थ्री कितना है माइनस का 5 है, फिर माइनस वाई वन, वाई वन कितना है प्लस का 1, 1 लगा दीजिए, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है 2 है, फिर वाई वन कितना है 1 है, फिर माइनस एक्स वाई टू कितना है, वाई टू माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4, और ये ब्रेकेट बंद, ओके। 0 इज इक्वल टू 1/2, अब देखिए 8 ऐसे लिखा हुआ, इसे सॉल्व कर दीजिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये जो माइनस आया है वो ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों का होगा माइनस, तो 4, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, बड़ा नंबर कौन सा बड़ा नंबर है 5, 5 के आगे प्लस है, तो यहाँ पे भी लगा दीजिए प्लस, तो प्लस लगाया जो दिखता नहीं है, फिर के,
अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये है माइनस और ये है माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो जो प्लस है वो ये डिसाइड करेगा, ये वाला प्लस किन दोनों का होगा प्लस, तो 5 1 6, ठीक है ना, बड़ा नंबर कौन सा बड़ा नंबर 5, 5 के आगे माइनस, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस, फिर प्लस का 2, अब इसे सॉल्व कर दीजिए 4 + 1, तो सिंपल है 5 हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद देखिए 0 = 1/2, इसे सॉल्व कर दीजिए 8 बन जा 8, फिर ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 6 की कैसे मल्टीप्लाई 6 के, फिर प्लस 5 2 जा 10, ओके क्लियर। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जो है वो नीचे है यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड में है, डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 × 2 हो गया, तो 2 जो है ऊपर चला गया 0 के साथ। अब इसे सॉल्व करिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा प्लस का 10, तो 8 + 10 कितना हो जाएगा 18, भाई 8 + 10 18 ही तो होगा, फिर माइनस का 6k लिखा हुआ है, ठीक है लगा दिया हमने 6k। अब देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन आगे सॉल्व, ओके अब ये क्वेश्चन यहाँ से है, अब देखिए 0 × 2 होता है 0 = फिर है 18 - 6k, ठीक है क्लियर है। अब 6k जो है वो माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0 के साथ। अब याद रखिएगा हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए k को अकेला करना करेंगे, तो k को अकेला करने के लिए k को हम उधर ले गए, 18 हमने अकेला करा। अब देखिए 0 + 6k कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस हुआ ही है, 0 + 6k तो 6k रहेगा, 0 में कुछ भी ऐड करो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, = 18। अब k को अकेला करने के लिए 6 जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे रखिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 3 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यही इसका आंसर, k की वैल्यू निकल आई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरी तरीके से अब फिनिश, ओके। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर देना, अगर मेरे अंदर कोई कमी हो तो कमेंट करके बता देना, और हाँ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।